हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द सोर्स ऑफ विजडम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास सेवेंथ का हिस्ट्री सेकंड चैप्टर। ठीक है, देखो हम लोग फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। हर्षवर्धन की डेथ के बाद क्या हुआ था, छोटे छोटे साम्राज्य में डिवाइड हो गया था पूरा इंडिया, और उसी टाइम के उस हर्षवर्धन के डेथ होने के बाद छोटे छोटे साम्राज्य में तो डिवाइड हुए थे, बट लाइफ स्ट्रक्चर कैसा थे और उससे पहले लाइफ स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे जीते थे वो लोग, ये सब कुछ हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। देखो चेंजिंग पैटर्न ऑफ लाइफ, उन लोगों का लाइफ का जो पैटर्न है ये कैसे चेंज हुआ। जैसे पहले जंगल में रहने वाले थे, जंगल के बाद एक साथ रहना सीखे, फिर घर बनाना सीखे, फिर प्रेजेंट टाइम में बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना सीखे हैं। तो ये कैसे डेवलपमेंट हुए हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। किस टाइम के बारे में, देखो 652 AD। ठीक है, तो इस टाइम के बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो वी लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर आफ्टर द 650 देयर कंडीशंस ऑफ किंग एंड द किंगडम चेंज। उस टाइम में राजा और महाराजा लोग चेंज हुए हैं। लाइक इन प्लेस ऑफ बिग एम्पायर स्मॉलर किंगडम डेवलप्ड, कोई बिग एम्पायर स्मॉलर साम्राज्य को यानी कि छोटे साम्राज्य को डेवलप्ड भी किए हैं। और देखो उस टाइम, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न मोर अबाउट द सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस चेंज। उस टाइम जो सोशल चेंज हुआ है, इकोनॉमिकल चेंज हुआ है और धर्म में क्या क्या चेंज हुआ है, वही हम लोग इस क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखो। फर्स्ट में देखो क्या है, पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट एंड विलेज। तो फर्स्ट में एंशियंट टाइम में, पुराना टाइम में जंगल में रहने वाले थे लोग। ठीक है, तो देखो इन दोस डेज कंपैरिजन देयर वेर मोर फॉरेस्ट देन टुडे। अब देखो प्रेजेंट टाइम में अभी जितना फॉरेस्ट है उस टाइम में इससे ज़्यादा फॉरेस्ट थे। देयर वेर मैनी विलेज एंड टाउन एज वेल बट दे वेर मच स्मॉलर देन द विलेज एंड टाउन ऑफ टूडे। अभी देखो उस टाइम बहुत छोटे छोटे विलेज थे, बहुत छोटे छोटे विलेज थे। अभी देखो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ विलेज भी बड़ा होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और लास्ट में टाउन में कन्वर्ट हो गए इससे भी बड़े। ठीक है, देखो फॉरेस्ट ड्यूलिंग पीपल यानी कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों का लाइफ स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। फॉरेस्ट ड्यूरिंग पीपल, देखो मैनी पीपल लिव्ड इन फॉरेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस टाइम ज़्यादातर लोग फॉरेस्ट में रहने वाले थे। अब अगर देखो फॉरेस्ट में है तो खाने के लिए क्या है, उन लोगों को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीपल। ठीक है, उन लोगों को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीपल। अब देखो उन लोगों को खाने के लिए क्या है, उन लोगों को खाने के लिए है फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स एंड एनिमल ईट, यानी कि उन लोगों को कच्चा मांस खाने के लिए है और फ्रूट खाने के लिए ये खाना था उन लोगों का। तो फॉरेस्ट में रहने वाले थे वो लोग और उस टाइम को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, और खाने के लिए फ्रूट्स है और एनिमल्स का मीट है। बट बाद में क्या हुआ देखो, बट देयर लीव्स ऑल्सो बिगन टू चेंज, कुछ चेंजेस आने लगा उन लोगों में। फार्मिंग करना सीखे है उन लोग, बाद में फार्मिंग करना सीखे है, कटिंग डाउन ए फ्यू ट्रीज एंड क्लियरिंग ए पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड। और उन लोग फॉरेस्ट को काट के एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि खेती किसानी करने का जमीन बनाना सीखे है। ठीक है, जमीन बनाना सीखे है। जमीन बनाने के बाद उन लोगों ने इरीगेट सीखे है यानी कि सिंचाई कैसे किया जाता है। ठीक है, इरीगेशन भी वो लोग सीखे है। फिर क्या किया देखो, बट देखो वो लोग अभी क्या होता है, अभी लोग बहुत ऑर्गेनिक केमिकल्स को देखो सीड के साथ देते हैं और क्रॉप को उगाने के साथ साथ बहुत सारे केमिकल यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जैसे यूरिया, DAP, पोटास, कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। उस टाइम कुछ भी यूज़ नहीं करते थे ये लोग। क्या तो वो लोग क्या यूज़ करते थे, कुछ भी यूज़ नहीं करते थे, बस एक ही काम है, फॉरेस्ट को साफ कर दिए है, उस जगह में सीड यानी कि बीज को फेंक देते थे वो लोग। ठीक है, तो उन लोगों का ये लाइफ स्ट्रक्चर है। तो देखो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग छोटे छोटे सेटलमेंट बनाकर रहते थे, इसे बोलते हैं पाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रखना, पाली।
हु इज़ पाली या व्हाट इज़ पाली. तो दिस फॉरेस्ट डिवेलिंग पीपल लिव्ड इन स्मॉल सेटलमेंट कॉल्ड पाली. दैट्स क्लियर. और एक बार ये सुन लो, और एक बार देखो, फॉरेस्ट डिवेलिंग पीपल फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों का खाने के लिए क्या था? फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों का खाने के लिए था फ्रूट्स, खाने के लिए था फ्रूट्स और एनिमल्स मीट. बाद में ये लोग एक साथ रहना सीखे हैं, बाद में ये लोग ट्री को काट के क्लियर करके खेती किसानी करना सीखे हैं. बट ये लोग सीड को एक जगह में क्लीन करके, यानी कि फॉरेस्ट को काट के सीड को वहीं पर फेंक देते थे, कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते थे. और फॉरेस्ट में एक छोटे छोटे घर बना के रहने वाले लोगों को बोलते हैं पाली. अब देखो, अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग दे ऑल्सो कलेक्टेड मैनी नेचुरल प्रोडक्ट. वो लोग नेचुरल प्रोडक्ट को कलेक्ट करते थे. नेचुरल प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, देखो, जैसे कोई फ्रूट्स को कलेक्ट किए हैं, किसी को फ्रूट्स का ज़रूरत है और किसी को चावल का ज़रूरत है, तो फ्रूट्स वाले लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स देते हैं राइस वाले लोगों को, फिर इसके बदले में इसे मिलता था फ्रूट्स. ठीक है, यानी कि एक्सचेंज सिस्टम इन लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे. अब देखो, ये सब कुछ देने के बाद, जैसे ग्रेन, ऑयल, आयरन, सॉल्ट, ये सब कुछ एक्सचेंज ये लोग करते थे. और ये लोग देखो, दे ऑल्सो गिव गिफ्ट टू द किंग, और राजाओं को गिफ्ट देते थे ये लोग. अब देखो, ये जंगल में रहने वाले लोगों को सीरियल ट्राइब्स बोलते हैं. तो इन लोगों का प्रजाति कितने टाइप का है, देखो कुछ लिखा है यहाँ पर, सभी प्रजाति नहीं लिखा है, कुछ लिखा है. देखो, सबर, निषाद, पुलिंदस, व्हील. ठीक है, तो ये जंगल में रहने वाले लोगों का प्रजाति है. अब देखो, नोमाडिक ट्राइब्स किसे बोलते हैं, जो लोग घुमक्कड़ हैं उन लोगों को बोलते हैं नोमाडिक ट्राइब्स. ठीक है, अब देखो, ये सेटलमेंट बनाकर कुछ लोग रहने लगे हैं, और कुछ लोग क्या करने स्टार्ट कर दिए, एक जगह से दूसरे जगह घूमना, दूसरे के घर में काम करना. ठीक है, नोमाडिक वे ऑफ लाइफ कोई कोई चॉइस कर लिए हैं, कोई कोई फार्मिंग कर एक जगह में सेटल हो गए हैं और गांव बना लिए हैं, और कोई कोई एक जगह से दूसरे जगह घूमना फिरना, कोई कोई देखो क्लीन करना, यानी कि तालाब को साफ करने का काम करते हैं वर्कर का, और कोई कोई योगी सन्यासी भी बन गए हैं घूमते फिरते. योगी सन्यासी लोगों का काम है एक जगह से दूसरे जगह घूमना. कोई कोई बेगार बन गया है. बेगार यानी कि जो लोग काम करते हैं बट पैसा नहीं लेते, लोगों को बेगार बोलते हैं. अब देखो, विलेज एंड टाउन डुवेलर्स, विलेज में रहने वाले लोग और टाउन्स, विलेज से टाउन कैसे बना है, और विलेज में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, और टाउन में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, चलो देखते हैं एक बार. ठीक है, देखो, विलेज में रहने वाले लोग फार्मिंग करते हैं. बाद में क्या हुआ, विलेज का पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ और इन लोग इरीगेशन यानी कि सिंचाई करना सीखे हैं. जब सिंचाई करना सीखे हैं, तब हिमालय से लेकर डिजर्ट एरिया तक सभी जगह में अगर सिंचाई कर सके, कैनल बना लिया इन लोगों ने, तो हिमालय माउंटेन रीजन में भी खेती किसानी करना स्टार्ट कर दिए हैं, और डिजर्ट में भी, राजस्थान डिजर्ट में भी खेती किसानी करना स्टार्ट कर दिए थे. उस टाइम छत्तीसगढ़ में एक देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट का बात सुनो, उस टाइम छत्तीसगढ़ में 1400 लेक थे, बट प्रेजेंट टाइम में कितना है, बट ये प्रेजेंट टाइम में कम होते हुए यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ, इसलिए ये 250 हो गया है. ठीक है, अभी देखो स्टार्ट होगा कास्ट सिस्टम. ये बहुत डेंजरस है, कास्ट सिस्टम बहुत डेंजरस है. तो देखो, पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट लिव इन विलेज. एक गांव में अलग अलग कास्ट के लोग रहने वाले थे. तो कुछ कास्ट का देखो ग्रुप लिखा गया है, चंडाल, सोपक, सोत, मगध, ये सभी लोग एक साथ रहने वाले थे गांव में. ठीक है, अभी देखो इन लोग का काम क्या था. किसी का काम है शिकार करना, किसी का काम है स्किनिंग एनिमल का स्किन को निकालना, मैकिंग लेदर गुड, कोई लेदर का कुछ जैसे सूज वगैरह कुछ ऐसा कुछ बनाना, लेदर का कुछ चीज़ बनाना, कटिंग वुड, किसी का काम है वुड काटना यानी कि पेड़ को काटना, क्रिम्पटिंग द डेड एंड सो ऑन. ठीक है, ये सब कुछ काम था उन लोगों का. बट देखो नॉर्थ इंडिया के बारे में और देखो साउथ इंडिया के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है, द हेड ऑफ द मेन पीजेंट फैमिलीज वुड मीट टू कलेक्टिवली सॉल्व प्रॉब्लम. अभी देखो गाँव में जैसा होता है, सभी किसान मिल के क्या करता था उस टाइम, सभी किसान मिल के गाँव में जो प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम का सल्यूशन करते थे. उसे बोलते हैं पंचकुल या महत्तर. पंचकुल या महत्तर में क्या होता है,
सभी लोग मिलजुल के एक साथ जो प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते थे। अभी देखो दिक्कत क्या है, अभी आ गया है, ये लोग तो अच्छे से रहने वाले थे बट अभी राजा आ गया है कि अरे भाई तुम लोग जिस जगह में ये फॉरेस्ट काट के ये सब कुछ बनाए हो ये जगह मेरा है, टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ देखो, पहले नॉर्थ इंडिया में पढ़ो, फिर साउथ इंडिया के लोग तो ये बात मानेंगे नहीं, अरे कौन राजा है, आकर बोलेंगे तो हम लोग दे देंगे क्या। सो ऐसा नहीं है। तो नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ देखो, नॉर्थ इंडिया में कोई राजा आकर बोले हैं कि इस जगह मेरा है तो टैक्स मुझे देना पड़ेगा। तो भगपति का काम है ये टैक्स कलेक्ट करके राजाओं को देना। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करके राजाओं को देना। तो देखो यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। द विलेज ऑल्सो हैड टू वर्क विदाउट पेमेंट व्हेन एवर रिक्वायर्ड, प्रैक्टिस नोन एज बेगार। और कोई कोई बेगार भी काम करना स्टार्ट कर दिया है, विदाउट पेमेंट अगर कोई काम करता है तो उसे बेगार बोलते हैं। ठीक है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज द इकोनॉमिक फील्ड। बट देखो बाद में क्या हुआ, बाद में जैसे देखो मैं अभी बताया हूँ ये भगपति का काम है टैक्स कलेक्ट करना विलेज यानी कि गाँव से, फिर राजा को देना। राजा देखते हैं कि ये भगपति से अगर हम लोग पैसा लेंगे तो बहुत दिक्कत होता है क्योंकि ये आधा हिस्सा यही ले लेते थे। तो राजा डायरेक्ट बाद में टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं विलेजर्स से यानी कि गाँव में रहने वाले लोगों से। अभी देखो साउथ इंडिया में क्या हुआ, साउथ इंडिया के लोग तो ये मानने वाले नहीं है। द सिचुएशन इन साउथ इंडिया वॉज डिफरेंट, बट साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है। द हेड ऑफ प्रोमिनेंट फैमिलीज वर्क कलेक्टिवली फॉर देयर विलेज। गाँव में जो हेड है सभी घर में पैसा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बाद में बताऊंगा ये पैसा कलेक्ट कर कुछ तो काम करते हैं ना। तो देखो पैसा कलेक्ट करते हैं, इसे बोलते हैं उर। द उर ऑफ सेवरल विलेज, अगर ये टैक्स एक साथ बहुत सारे गांवों का मिला दिया जाएगा तो ये हो जाता है नाडू, ये होता है नाडू। ठीक है, ये होता है नाडू। अभी देखो इसका काम क्या कर रही है, इस टैक्स से काम होता है पानिश रॉन्ग उडर्स यानी कि जो कुछ गलत काम करता है उसे पानिशमेंट दिया जाता है। सॉल्व विलेज डिस्प्यूट यानी कि विलेज का जो प्रॉब्लम है उसी का सॉल्व करते हैं। मेंटेनिंग टेंपल, कुछ मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है तो ये लोग वही काम करते हैं। यानी कि टैक्स कलेक्ट कर लिए, जो इंडिविजुअल टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसे उर बोलते हैं। अगर कॉम्बाइंड एक साथ बहुत सारे गाँव को मिला लेते हैं उसी टैक्स को इकट्ठा कर लिए हैं तो उसे नाडू बोलते हैं, ये याद रखो। ठीक है, तो उर और नाडू में डिफरेंस क्या है, उर में एक एक को कलेक्ट करना और नाडू में सेवरल विलेज यानी कि एक साथ बहुत सारे विलेजों का टैक्स कलेक्ट करना यानी कि सभी उर को मिला के नाडू बनते हैं। ठीक है, अब देखो एट दैट टाइम द ब्राह्मण वेयर रिस्पेक्टेड अक्रॉस इंडिया, ब्राह्मण को रिस्पेक्ट दिया जाता था इंडिया में। दे वेर गिफ्टेड लैंड एंड विलेज सो दे वुड सेटल डाउन, ब्राह्मण को लाकर इंडिया में रखा गया और वो लोग क्या करते थे, वो लोग पूजा करते थे और इनके बदले उन लोगों को जमीन दिया जाता था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेस्ट्रिक्शन ऑन ओमेन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।